आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने संबोधित किया। इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां और राम मंदिर मुद्दे पर पार्टी का रुख भी साफ किया। शाह ने कांग्रेस और सपा बसपा पर जमकर हमला बोला है। 19 की तैयारी में जुटी बीजेपी, अमित शाह ने भरी हुंकार, विरोधियों पर भी बोला हमला, कहा फिर बनेगी एनडीए की सरकार। लड़ाई 2019 शुरू हो चुकी है, सियासी सूरमा मैदान में उतर चुके हैं, राहुल अलग रणनीति बना रहे हैं, यूपी में गठबंधन का दौर चल रहा है। इधर बीजेपी ने भी 2019 की तैयारियां तेज कर दी हैं, मंच पर संगठन से लेकर सरकार तक के नेता दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में नेता और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज उतर आई, लिहाजा जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भाषण देना शुरू किया तो बार बार विरोधियों पर हमला बोला और सरकार के कामों का बखान किया। शाह के निशाने पर गठबंधन भी रहा। भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास, गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है, आज फिर से एक बार हराने का समय। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा बीजेपी चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, लेकिन कांग्रेस राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। गुजरात में चुनाव था, केस चलने को आया, किसी की ओर से अपीयर होकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि केस को 2019 के बाद चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वस्थ रहे, हम संवैधानिक रूप से राम जन्मभूमि बनाने के लिए कटिबद्ध थे और आज भी है। रामलीला मैदान से अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए कार्यकर्ताओं से 2019 की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का युद्ध है और युद्ध सदियों तक याद रखा जाएगा। फिलहाल बीजेपी दिल्ली में मंथन कर रही है तो क्षेत्रीय दल एक साथ आने की तैयारी कर चुके हैं। दंगल 2019 सज रहा है, ऐसे में देखने वाली बात होगी किसका दांव सही बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर माँ भारती का जयकारा प्रचंड आवाज से करिए, बोले भारत माता की, भारत माता की।